الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا رسول الله. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یا ان کر لیے ہم تو میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں کیا آپ آتے ہیں، ہم بھی میلاد مناتے ہیں کیا آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں نصیر آج ہل چل کیوں ہے، چاند تاروں میں نصیر آج ہل چل کیوں ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی
आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दुरूद ला मंदू ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम दी बारगाहे मुकद्दसा दे अंदर हदी दुरूद सलाम पेश करन तो बाद निहायत ही वाजिब अल एहतराम मोहतरम उल मकाम नौजवान बुजुर्गो दोस्तों हजरात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया तिलकर रसूल फद्दल्ला बादहुम अला बाद रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि रसूलां दी जमात दे विचों एक जमात होवे जिन्हां नूं असां मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल ऐसा अंदाज रब्बुल आलमीन कुरान दे अंदर एक नक्शा बयान फरमाया और दस्या कि ये जमात वो जमात है जी। ठीक है हजरत मोहतरम मैं मखसूस मखसूस मोहब्बत दे नाल मैं इल्तजा गुजार हाँ कि वक्त कलील है तो जिहड़ा थोड़ा जा टाइम है मैं पेश कर देवां क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं रब्बुल आलमीन दा कुरान और मोहम्मद मुस्तफा दा फरमान सुनाना है। हज़रते मोहतरम अल्लाह ताला ने रसूलों के बीचों ऐसे रसूल और ऐसियां जमातां बनाईयां और बाद में बाद दे उत्ते फजीलतां बख्शियां मिनहुम मन कल्लम अल्लाह फिर बीचों वह भी ने जिन्होंने अल्लाह दे नाल कलाम फरमाया वारावा बाद हम दराजात वो बिचों वो भी ने जिन्हें दे अल्लाह ने दर्जे बुलंद फरमाए उन्हें एक मुकाम अता फरमाया। हजरत मोहतरम जरा गौर करो मुफस्सरीन किराम ने लिखिया कि वली जितनी भी इबादत रियाजत करदा रहे वो कदे भी सहाबी दे दर्जे नु नहीं पहुंच सकता और सहाबी जितनी भी इबादत रियाजत जिक्रो जकार करता रहे वो कदे भी नबी दे मुकाम तक नहीं पहुंच सकता पर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम नूं वेख्या जाए तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिन्नी शान किसे अंबिया दी नहीं किसे रसूल दी नहीं किसे नबी दी नहीं जितनी शान अल्लाह ने अपने महबूब अली सलातो सलाम मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाई जितनी शान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई उन मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दे नाल हम कलाम होए मगर हजूर अली सलातो सलाम ने रब्बुल आलमीन ने अरशां दे बुला के अपना दीदार करवाया। छोटी बात है सुभान अल्लाह कहो जरा मुफ्ती साहब का बयान है मोहब्बत दे नाल जरा समात फरमाओ जितना भी कोई भी सुरीला आदमी होवे मगर मुफ्ती साहब आप तो हर बंदा थले ही है। असी जितनिया भी तकरीर आपने सुनिया जितनिया भी वाज और नसीहत आपने फरमाई शायरी के अंदर सुर के अंदर हर लफज के अंदर इसलाह फरमाई अवामो नास दा अकीदा दस्या कि लोगो अगर इस अकीदे ते रवोगे तो मोहम्मद मुस्तफा वाला अकीदा अगर तुसी वेखना चाहते हो तो मुफ्ती साहब दा अकीदा है जेड़ा अकीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तो चलदा आ रहे मुफ्ती साहब ओदे ते पक्के और अटल डट के और वाह को सुननी नहीं
जेडे मुस्तफा अली सलातो सलाम दा पैगाम डट के सुना रहे ने। जितने जरा मुफ्ती साहब जितने चाहण वाले ने सारे सुभान अल्लाह कहो जरा। इतनी मोहब्बत दे नाल शफकत दे नाल सुनन आयो तो खुदा दी कसम ये प्यार अकीदत ये उल्फत ओ रख दिए कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती साहब अक्सरियत कलाम पढ़ते ने और मैं तुहानू मुफ्ती साहब के लबां दे विचों वो कलाम जड़ा आप पढ़ते ने और लोगों की इसलाह करते ने ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने सबे नूर उस दे नूरा सबे नूर उसी दे नूरों और उस दा नूर हजूरों सबे नूर उस दे नूरों उस दा नूर हजूरों कद जा अकुम मिन अल्लाह नूर व किताब मुबीन सबे नूर उस दे नूरों और उस दा नूर हजूरों ते उसनु तख्त अर्शदा मिलया उसनु तख्त अर्शदा मिलया ते मूसानु कोहे अर्श दा तख्त मिलिया मेरे करीम आका अलैहि सलातो सलाम नू और मूसा नू कोहे तूर मिलिया कि अगर मेरे नाल कलाम करना चाहते हैं तो कोहे तूर ते आ जा अगर मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपने मेराज ते ही बुला के मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम ने फिर इन्हां नैना दे नाल रब्बुल आलमीन दा दीदार कीता हर चीज दा मुहासरा कीता हजरत मोहतरम जड़ी पर्ची आई है मैं उस दे मातहत आखरी अशार मैं पढ़ के इजाजत चाहना हजरत अकीदा इंसान दा अगर पुख्ता होवे ते इंसान दुनिया ते जितनी भी जिंदगी गुजारदा है अगर ओदा अकीदा पुख्ता है ते ओ अकीदा जड़े कब्र दे अंदर भी तुहानू कम आएगा एक ही मैं माड़ी गल कीती है सुभान अल्लाह को इंसान दा अकीदा ही एक ऐसी चीज है जिहड़ी कबर दे अंदर और हशर दे अंदर इंसान नू कम आवेगी तुसी आखो किस तरह जिहड़ा बंदा या रसूल अल्लाह पुकारदा होवे जिहड़ा बंदा औलिया सहाबाए कराम अंबिया अलैहि सलातो सलाम दे गीत गांदा होवे जिहड़ा बंदा हजूर अली सलातो सलाम दे इसको मस्ती दे अंदर जिंदगी गुजारदा होवे उसनु कबर दे अंदर जदों फरिश्ते भी आके पुछणगे ना मर रब्बू का मां दीनू का मां कुंत तकुलु फी हकी हाजर रजुल दस ए सामने हस्ती दे बारे च जरा की ख्याल है सामने हस्ती दे बारे च तेरा की ख्याल है तो बंदा बोल के आंदा होवेगा की पुछना मैं तेनु दसना वा मैं तेनु दसना वा के आए मेरे मजार में दब के सुभान अल्लाह को यार अगर उस ऐसे तो रही दे ना तो मामला ठीक नहीं दब के सुभान अल्लाह को जरा
अल्लाह लाए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के, हाँ आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के, आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के, ए मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के, हाँ ए मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के, हाँ ए मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के, हे वल्ले दिया जुल्फा वाले आ मां लाग दे काजल वाले आ, हे बदुहा दे चेहरे वाले आ, इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, सारी उम्र गुजार के ए पाई है ये घड़ी, हाँ सारी उम्र गुजार के ए पाई है ये घड़ी, आशिक बोल के आखेगा बल्ले दे जुल्फा वाले आ, हे मां जाग दे काजल वाले आ, हे बदुहा दे चेहरे वाले आ, बाणा लगो जरा कमली वाले आ, मां जाग दे काजल वाले आ, सोनिया इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी, और मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, हाँ आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, और दो जख्म मैं तो क्या, ये किधरे भी नहीं जान लगे माशल भेजो, दो जख्म मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, आज के रसूल हो ना मनन वाले हो ना, तो मनन वाला जड़ा होता है ना वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात वो अकीदा है कि मर के भी इंसान मरदा नहीं, मर के भी नहीं मरदा, क्यों अगर सिराते मुस्तकीम ते चल के अपनी जिंदगी गुजार दे तो खुदा दी कसम वो मर के भी नहीं मरनगा। देखो औली इकराम ने अपनी जिंदगी गुजारी और गुजार के सानू दसिया कि गुलामों अगर जिंदगी गुजारनी थी इस तरह गुजारो, जिंदगी गुजारनी तो खुदा दी कसम इस तरह गुजारो जिवें दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने गुजारी, अगर जिंदगी गुजारनी तो इस तरह गुजारो जिवें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपने गुजारी, अगर जिंदगी गुजारनी तो इस तरह गुजारो जिवें मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने गुजारी, और दसिया कि अगर सिराते मुस्तकीम ते चलना चाहते हो तो इन्हां औलिया दा दामन फड़ लो, औलिया दे नक्शे कदम ते चलो, क्यों औलिया दा रस्ता कोई आम रस्ता नहीं, ये रस्ता सहाबा इकराम दा है और सहाबा इकराम दा रस्ता मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक जांदा है, इस वास्ते आने के
दो जख्म में तो क्या मेरा हिसाया न जाएगा, ये दो जख्म में तो क्या मेरा हिसाया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। हजरत जिन्होंने अकीदत मोहब्बत दे नाल ये प्रोग्राम सजाया और प्रोग्राम के अंदर जितने भी दोस्त अहबाब मुफ्ती साहब की जियारत वास्ते और जितने दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए, अल्लाह ताला हजूर अली सलातुस्सलाम की मुहब्बत का सदका हर एक का आना हर कदम के बदले और हर कदम के बदले हजूर अली सलातुस्सलाम की मुहब्बत का वो चिराग बले और हर कदम के बदले अल्लाह करोड़ा नेकियां अता फरमाए। दुआए अल्लाह ताला हजूर अली सलातुस्सलाम की मुहब्बत के सदके के नाल साडा बैठना और जिक्र जिकार करना अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैया।